इस बंदे ने रशिया का फेसबुक बनाया और फिर अपने ही देश का दुश्मन बन गया। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के जस्ट बाद ही पेवेल और उनके भाई ने भी कॉन्टैक्ट लॉन्च किया, जो कि फेसबुक की तरह ही था, और बहुत तेजी से इस ऐप के 350 मिलियन यूजर्स हो गए थे। बट इस प्लेटफॉर्म पर जल्द ही एंटी गवर्नमेंट कंटेंट बहुत ज्यादा शेयर होने लगे। 2011 में जब रशियन गवर्नमेंट ने इस ऐप पर कंट्रोल पाने की कोशिश की, तो पेवेल ने गवर्नमेंट को ट्रोल करने के लिए एक जीप निकाले हुए कुत्ते की फोटो अपलोड की और उसी रात उनके घर पुलिस आ गई उन्हें डराने के लिए। वेल, कुछ ही समय बाद वी कॉन्टैक्ट का कंपटीटर mail.ru मार्केट में आया, जिसके रशियन गवर्नमेंट से टाई अप्स थे, और वी कॉन्टैक्ट का यूजर बेस खत्म होने लगा। इवेंचुअली 2013 में इनके ऑफिस में रेड पड़ गई, जिसकी वजह से इन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। लेकिन देश छोड़ने से पहले पेवेल ने एक सीक्रेट कंपनी को न्यूयॉर्क में सेटअप किया और अपने टॉप एम्प्लॉइज को वहां मिलने को बोला, और फिर पेवेल एंड उनकी टीम ने टेलीग्राम लॉन्च किया, जो कि एक हाईली इंक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है। इवन दो टेलीग्राम का कोई बिजनेस मॉडल नहीं है और ये डोनेशंस पर चलता है, फिर भी ये वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट डाउनलोडेड सोशल मीडिया ऐप है 1 बिलियन एक्टिव यूजर्स के साथ।